सो हे गाइस, वेलकम बैक टू असॉल्ट गेमर। सो गाइस, बहुत सारे बंदे करते क्या है कि गेम खेलना स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, जैसे कि उन्होंने नेट को ओपन किया और गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, फिर बोलते हैं भाई मेरा गेम पिंग हो रहा है। तो गाइस, ऐसा क्यों होता है ये मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, और गाइस प्लस आप सभी को बताने वाला हूँ कि गाइस पिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो कि आप यूट्यूब पर इस समय सर्च कर रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो। तो गाइस, इसी वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ गाइस कि पिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर मैं बाकी अदर यूट्यूबर्स की तरह बिल्कुल भी मतलब घुमा फिरा के नहीं बताने वाला हूँ, बिल्कुल डायरेक्टली बताने वाला हूँ। और उस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ, उस चीज़ को आपको ध्यान लगाकर समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे नहीं तो गाइस उस चीज़ को आप बिल्कुल आसानी से अपने से कर सकते हो और आसानी तरीके से समझ सकते हो। और गाइस यहाँ पर आप सभी लोगों को गाइस मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको 3 से 4 सेटिंग बताने वाला हूँ, प्लस गाइस एक अपने एक्सपीरियंस के साथ एक टिप्स देने वाला हूँ। वो टिप्स मैं आपको शुरू में ही दे देता हूँ कि आप सभी लोग गाइस ऐसे जगह गेम खेला करो जहाँ पर आपका नेटवर्क काफ़ी अच्छा चले। वो कैसे पता करना है कि हमारा पिंग प्रॉब्लम जो है गाइस सॉल्व हो रहा है, मतलब कि कैसे मतलब चल रहा है, हमारा सही पिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कैसे पता करना है। आप सभी लोगों को गाइस अपना गेम खेलते खेलते मतलब कि इधर उधर टहलना है, जहाँ पर आप सभी का गेम जो है पिंग से मतलब थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, मतलब आपका जो पिंग है थोड़ा कम होता है, और आप लोग का जो जहाँ पर पिंग थोड़ा कम होता है वहाँ पर समझो कि आपका गेम जो है काफी बढ़िया चल रहा है, यानी आपका वहाँ पे नेटवर्क काफी बढ़िया पकड़ता है, ठीक है। सो गाइस चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो आप सभी लोग, और इसके अलावा बहुत सारी जो चीजें आप सभी को यूज करनी पड़ेंगी, मतलब मैं आप सभी को यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ गाइस जो कि मतलब रामबाड़ की तरह होने वाली है, बस एक सेटिंग आप सभी लोग अप्लाई करोगे उससे आप सभी का गेम काफी पिंग से बेहतर चलेगा, ठीक है, यानी आपका पिंग जो है गेम में करेगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप सभी का गेम काफी बढ़िया चलेगा, वो क्या सेटिंग होने वाली इसी वीडियो में आप सभी को देखने को मिल जाएगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को कॉन्टैक्ट के अंदर आना पड़ेगा, अपने फोन के अंदर आना पड़ेगा। अब कह रहे हो कि भाई अब फोन से मतलब कैसे पिंग प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो गाइस सबसे पहले आते हैं अपने फोन के अंदर, उसके अंदर बताते हैं यार कैसे सॉल्व करना है, जो आपका कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। और हाँ गाइस, यहाँ पर आप सभी को मैं बता देता हूँ, हो सके तो गाइस ये जो नंबर मैं आप सभी को डायल करवाऊंगा ये आप सभी में बहुत सारे बंदों में वर्क करे या फिर ना भी करे, ठीक है, मतलब बहुत सारे बंदों में वर्क करेगा और बहुत सारे बंदों में वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं गाइस। कुछ बंदों में वर्क करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा जिन बंदों में उनके लिए भी मैं कुछ अलग से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आप सभी लोग अप्लाई करोगे तो काफ़ी बढ़िया आप सभी का पिंग चलेगा। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को नंबर डायलिंग वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो कॉन्टैक्ट जहाँ पर आप सभी को नंबर डायल करना होता है। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को डायल करना पड़ेगा *#*#4636, इसके बाद फिर *#*#*#, ठीक है, इतना डायल करोगे तो आप सभी के सामने यहाँ पे टेस्टिंग लिखकर कुछ आ जाएगा। बहुत सारे बंदे में मैं जानता हूँ वर्क कर सकता है या फिर बहुत सारे बंदों में नहीं भी कर सकता, और जिनके में वर्क नहीं करेगा उनको भी मैं कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन गाइस 90% बंदों में ये वर्क करता ही करता है, ठीक है। तो गाइस इसके बाद गाइस आप सभी को फोन इन्फॉर्मेशन पे टैप कर देना है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को समझना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर आप सभी को पता चल रहा है सिग्नल स्ट्रेंथ, देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है सिग्नल स्ट्रेंथ, ये चीज़ आप सभी को पता करनी है। यहाँ पर देख रहे हो जहाँ पर आप सभी को 36 चल रहा है, यानी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। देखो यहाँ पे मेरा फुल इंटरनेट ऊपर बता रहा है, यानी हमारा स्पीड जो है फुल बता रहा है। और इसके बाद गाइस सबसे पहले मैं नेट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने नेट को ओपन कर लिया है, नेट हमारा ओपन हो चुका है। इसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया स्पीड चला है। और गाइस इसके बाद आप सभी को करना क्या है, गेम खेलने से पहले रन पिंग टेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो तीनों पास हो जाता है, पिंग होस्ट नेम आपका पास हो जाता है, पिंग होस्ट नेम पास हो जाता है, और HTTP साइलेंट टेस्ट जो है हमारा पास हो जाता है। तो हमारा गेम मतलब हमारा जो इंटरनेट है काफ़ी बढ़िया चल रहा है, अगर हम कुछ भी ओपन करेंगे तो एकदम फटाक से ओपन हो जाएगा, यानी हमारा नेट काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अगर गाइस आपका जो पहले से देख लेना, यहाँ पर LTE यूनिट्स ऑटो PRL ऊपर दिख रहा है कि नहीं, सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के नीचे आप लोग देख रहे होंगे LTE यूनिट्स ऑटो PRL दिख रहा है, इस पर आप सभी को टैप करना है। पहले देख लीजिए आप में क्या है, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है पहले से। इसके बाद इस पर टैप करना है, इसके बाद LTE ये वनली दिख रहा है, इस पर टैप करना है, ठीक है। फिर ऊपर देख रहे हो कि हमारा नेटवर्क चला जाएगा, फिर दोबारा से हमारा नया नेटवर्क आ जाएगा, देख रहे हो ऊपर से आने दो, पहले आ जाने देते हैं, इंटरनेट को पकड़ लेने देते हैं। और गाइस इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है कि LTE में जो है हमारा LTE ओनली है, इसमें आप सभी लोगों को गाइस जो है हमारा फ़ोन ना जाएगा ना फोन आएगा। तो गाइस सिर्फ आप सभी को उसी समय LTE ओनली करना है जब आप सभी लोगों को यह उम्मीद है कि कोई भी फ़ोन नहीं आएगा ना हमें कोई फ़ोन करना है, हमें सिर्फ गेम खेलना है, तब आप सब LTE ओनली कर लेते हो। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो वन टैप में करता हूँ गाइस, तो यहाँ पर हमारा तुरंत से पास हो जाता है, यानी सिंपल सी बात है हमारा LTE ओनली में काफ़ी बढ़िया इंटरनेट स्पीड देखने
देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए सिग्नल स्ट्रेंथ भी 40 का मिल जाता है आप सभी को, ठीक है, यानी काफ़ी बढ़िया चलता है हमारा LTE वाली में। अगर गाइस आप सभी का यानी आप सभी का LTE यूनिट्स ऑटो PRL में भी बढ़िया चल जाता है तो आप उसको भी सेट कर लीजिएगा, यानी कि हमारा तो यही है LTE यूनिट्स ऑटो PRL रीसेट, ठीक है। रन पिंग टेस्ट मैं कर देता हूँ, देख रहे हो अभी तो मान लीजिए नेटवर्क चला गया है। सो गाइस यहाँ पर आप सभी को ये जो सेटिंग आप सभी लोग कर लेते हो गाइस, आप सभी का गाइस जो गेम है गाइस पिंग से काफ़ी बेहतरीन चलेगा। गाइस ये सेटिंग बहुत ही बेहतरीन सेटिंग है और कोई भी यूट्यूब पर इसको नहीं बताता है। गाइस यहाँ पर रन पिंग टेस्ट आप लोग करते हो ये पास, और गाइस अगर आपका नेटवर्क 3G भी पकड़ लेता है, अगर जहाँ पर इंटरनेट अच्छे से नहीं पहुँच पाता है, अगर रन पिंग टेस्ट करते हो तो कुछ समय में आप सभी को रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। और गाइस आप सभी लोगों को गाइस थोड़ी बहुत नॉइज सुनने को मिल जाएगी, लेकिन गाइस आप सभी लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस मेरे पास कोई भी यहाँ पर माइक नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, अपना वीडियो बनाता हूँ, और वो भी फ़ोन है 1GB रैम का गाइस, और सिर्फ एक फ़ोन से गाइस आप सभी लोगों को गाइस मैं जितना भी करने की कोशिश करता हूँ उतना कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी लोगों को गाइस पूरा सब कुछ समझा देता हूँ गाइस एक बार फिर से, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो गाइस यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ हमारा 38 का चल रहा है, और यहाँ पर जो पहले से सेट हुआ हुआ है LTE यूनिट्स ऑटो PRL उसको ही रहने देना है अगर आपका इंटरनेट बढ़िया चलता है। अगर बढ़िया नहीं चलता है तो आपको LTE वनली भी कर सकते हो, लेकिन फोन न आएगा न जाएगा, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना है, और LTE वनली से हटाकर आप लोग LTE यूनिट्स ऑटो PRL कर देते हो तो आपका फोन आएगा भी और जाएगा भी, ठीक है। तो गाइस आप सभी को ये देख सकते हो। इसके बाद अगर आपका इंटरनेट खराब चलता है तो आप रन पिंग टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो हमारा तीनों जब पास हो जाएगा तो आप कोई भी चीज़ खोलोगे ओपन करोगे तो आप सभी का जो फटाक से जो भी चीज़ रहेगा वो ओपन हो जाएगा। और आप सभी लोग गाइस जहां पर आपसे गेम बढ़िया चलता है तो वहां पर भी आप लोग गेम खेल सकते हो, ठीक है। तो गाइस यहां पर मेरा गेम बहुत ही बढ़िया चलता है तो मैं यहां पर जो है गेम खेलता हूं जहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ गाइस कि आप सभी लोग अगर चैनल पे नए हो गाइस तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर सिर्फ काइन मास्टर मॉड एप्लीकेशन है जिसमें कोई भी आप सभी को यहाँ पे वाटर मार्क देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ उससे ही मतलब वीडियो बनाता हूँ गाइस आप सभी के लिए। फिर भी आप लोग यार चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते यार, कर दिया करो ना, आप सभी को कोई घाटा यहाँ पर नहीं होता है, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। तो यार ध्यान से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे हमारे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे वैसे ही गाइस हम करेंगे कुछ स्पेशल। और वैसे भी गाइस हमारे चैनल पे एक गिवे चल रहा है, उसको कैसे पार्टिसिपेट करना है उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और गिवे ज्वाइनिंग लिंक आप सभी लोगों को गाइस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यानी आप सभी को गिवे ज्वाइनिंग लिंक भी आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और गिवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को जरूर से जाकर देख लीजिएगा, जरा सा भी आसकत मत दिखाएगा, 100 डायमंड का गिवे चल रहा है, आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। और जैसे ही वहां पे 200 पार्टिसिपेशंस कंप्लीट होते हैं वैसे मैं गिवे का रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। सो गाइस सबसे पहले जो है हम अपने और दूसरी सेटिंग्स की ओर बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए जिनमें ये नहीं आ रहा है, ये वाली जो सेटिंग नहीं आ रही है, तो उनको क्या करना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आते हैं अपने फ्री फायर के अंदर, उसके अंदर बताते हैं गाइस क्या करना है, ठीक है। सो भाई लोग ये वीडियो थोड़ी सी लंबी तो जरूर हो सकती है, लेकिन गाइस ये इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि गाइस अगर सिर्फ 10 मिनट आप लोग अपना दे देते हो तो गाइस आप अपना पिंग प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वही आप लोग 10 मिनट के बदले 2-2 मिनट की वीडियो 10-15 देख लेते हो फिर भी आप सभी का पिंग प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होता है, प्लस आप सभी का जो आधे घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो गाइस इस वीडियो को पूरा जरूर से एंड तक देख लीजिएगा। सो गाइस सबसे पहले बढ़ते हैं दूसरी सेटिंग्स की ओर, जो हमारी सेटिंग है, आप सभी लोगों को गाइस जो गेम खेलने से पहले अपने फ़ोन को रिस्टार्ट मार लेना है, जिससे आप सभी का नेटवर्क भी थोड़ा सा रिस्टार्ट हो जाता है। प्लस आप सभी लोगों को नेटवर्क रिस्टार्ट करने के बाद, मतलब कि अपना फ़ोन रिस्टार्ट मारने के बाद, आप सभी को एरोप्लेन मोड में डाल देना है अपना जो है नेटवर्क, ठीक है। आप लोग एरोप्लेन मोड में डाल दोगे, इसके बाद गाइस आप सभी को 10 से 15 सेकंड वेट कर लेना है, इसके बाद फिर से एरोप्लेन मोड से हटाना है। तो गाइस इसके बाद गाइस आप लोग हटाओगे तो गाइस आपका नेटवर्क काफ़ी बढ़िया चलेगा। और गाइस आप सभी लोग LTE वनली पर तभी गेम खेला करो जब गाइस आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, और मतलब बहुत ज़्यादा पिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो तब किया करो, नहीं तो गाइस अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आने लगा और आप सभी लोग LTE पर सेट किए हो और फ़ोन आया, फिर मतलब आप सभी को प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रॉब्लम मतलब LTE वनली से नहीं हो सकती है, घर वालों से हो सकती है, ठीक है। तो मतलब LTE पर मतलब तभी खेला जब बहुत ज़्यादा परेशान हो तब। और गाइस अगर आप सभी लोगों को गाइस ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी बढ़िया लगी, आप सभी गाइस से पिंग प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो चैनल पे गाइस नए हो तो गाइस जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है, जो कि गाइस बिल्कुल फ्री होता है। तो यार सब्सक्राइब कर लो ना, कर लो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए यार जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स वॉचिंग वीडियो।